एक्टर ने मेरे साथ कुछ घपला किया है जो मेरे को पता चला। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक विद द न्यू व्लॉग। अभी जो है सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी जस्ट अपना सारा काम कंप्लीट करके सुबह का अब तक का फ्रेश होकर के सीधा किचन में आ गए। अभी तक मैंने कपड़े भी नहीं सुखाए हैं, इसलिए क्योंकि आज नाश्ते में जो है पूड़ी और कचौड़ी वाली सब्ज़ी और हलवा बन रहा है, तो मैं यहाँ पर तब तक के लिए आलू उबालने आ गई। मैंने बोला जब तक मैं कपड़े सुखाऊँगी तब थोड़े आलू उबल जाएंगे, तो मैंने यहाँ पर सारा अरेंजमेंट कर लिया है। अब जो है सिर्फ इसको बैठाना है, ये अपना उबलते रहेगा और मैं अपना कपड़ा सुखा लूँगी। सो मेरा यहाँ पे कपड़े सुखाना भी है जो वो हो चुका है और अब जो है सीधा नीचे जाना है। यहाँ पर मेरी मछलियाँ काफ़ी कम हो चुकी है तालाब में, इतना ज़्यादा पकड़ पकड़ के सब ले गए हैं कि अब दिखाई भी नहीं देते अच्छे से। पहले जो है काफ़ी सारा मछली दिखता था और काफ़ी अच्छा भी लगता था और अभी कुछ ना दिखता। सो अब चलते हैं सीधा नीचे। अभी बज रहा है 9 और यहाँ पे मेरा सारा नाश्ता बनके रेडी हो चुका है, पूड़ी कचौड़ी वाला सब्ज़ी और प्लस आटे का हलवा। यहाँ पे आटे का हलवा जो सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो फिलहाल अभी जो है सबको दे देते हैं नाश्ता। सो गाइस, अभी जो है सुबह के 9:30 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर जो है हलवा खा रहा हूँ। काफ़ी अच्छा लगता है मुझे आटे का हलवा और स्पेशली कम मीठा देकर जो है मेरे लिए बनाया गया है, तो काफ़ी टेस्टी है। और पापा हैं बाजार, पापा क्या लाने जा रहे हैं? फूल माला। आज जो बृहस्पतिवार है तो पापा फूल माला लाने जा रहे हैं, हमें पूजा देंगे। और यहाँ पर जो है भाई भी अपने काम के लिए रेडी हो रहा है, भाई का नाश्ता आ जाएगा, भाई कर लेगा। वो एक राउंड करके आ भी चुका है, तो वो एक राउंड करके आ भी चुका। तो फिलहाल जो है अभी ये खा लेता हलवा, उसके बाद कुछ देर के बाद जो है पूरी और कचौड़ी का सब्जी बना हुआ है वो खाएंगे। यहाँ पे जो है भैया और पापा साथ बैठ कर के नाश्ता कर रहे हैं और ये अपना हलवा खा के कोना पड़े हुए कर लीजिए आप भी साथ में। अभी नहीं खाएंगे हलवा खा के, अभी फिलहाल जो है फेवरेट था इसीलिए थोड़ा ज्यादा ही खा लिए। हाँ, बाकी जो है एक पीस ही हलवा का जो बोलते फेवरेट नहीं खाए थे, पूरा कुटुंबी भर के था। चुप रही है। तो पापा और ये जो है बाजार गए हैं नाश्ता वगैरह करके, क्योंकि दोपहर में सब्जी है नहीं कुछ बनाने के लिए, तो पापा अभी निकल चुके हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगे, तब तक हम अपना दूसरा काम करते हैं। यहाँ पे जो है मैं और पापा आए हैं बाजार करने के लिए, काफ़ी कड़ा धूप है, बाइक में पापा को लेकर आए हैं क्योंकि पैदल आते तो उतना सारा सब्जी उब्जी रास्ता भी ख़राब है, जिस वजह से पापा को बाइक में ही लेकर आ गए। आप देख पाएंगे पापा जो है यहाँ पर शॉपिंग कर रहे हैं, आलू ले रहे हैं। मैं जो है आलू सही तरीके से ले नहीं पाता हूँ, काफ़ी सारा आलू ख़राब निकल जाता है, जिस वजह से पापा को लेकर आना पड़ता है आलू वगैरह लेने के लिए। फिलहाल जो है और भी साग सब्जी लेना है और धूप काफ़ी ज़्यादा है। बाइक को यहाँ पर जो लॉक करके मैं साइड हो जाता हूँ, थोड़ा छाँव में खड़ा हो जाता हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है धूप काफ़ी ज़्यादा है। आप देख पाएंगे यहाँ पर जो है कितना कड़ा धूप है। और फिलहाल जो है पापा को राकिता ने बताया हुआ है क्या क्या सब्जी वगैरह लेना है, सारी सब्जी वगैरह को जो है इकट्ठा करते हैं, लेते हैं, उसके बाद घर जाएंगे। और मैं यहाँ पर जो है पापा का ड्राइवर बन के आया हूँ, छोटा वाला ड्राइवर बाइक से, क्योंकि धूप था पापा अकेले जाते हैं, इस वजह से मैं बोला जो घर पे ही हूँ, गाड़ी भी जो है तो फटाफट से जो है पापा लेकर जो है घर पहुँच जाएंगे। तो फिलहाल फटाफट से जो है मार्केट वगैरह में सब्जी वगैरह ले लेते हैं। तो यहाँ पर जो है पापा का शॉपिंग हो चुका है, बैग जो है यहाँ पर क्या क्या लिए हैं पापा? ये झींगा लिए, करेला लिए, भिंडी लिए, आलू लिए, आदि लिए, प्याज लिए, तो ये सब राशिता बोली थी और पापा ये सब ले चुके हैं। फिलहाल जो है चलते हैं घर, काफ़ी जो है यहाँ पर देख पाएंगे धूप काफ़ी है, तो फटाफट से घर पहुँचते हैं। सो पापा और ये जो हैं बाजार लेके आ चुके हैं, क्या क्या आया आज सब्जी में? जो तुम बोली थी वही आया। पटल? पटल नहीं आया। भिंडी? भिंडी आया, झींगा आया, आलू, अदरक, प्याज, लहसुन। ओह, तो काफ़ी कुछ आ चुका है। काफ़ी गर्मी है,
तो काफ़ी कुछ आ भी चुका है, तो अब देखते हैं दोपहर में क्या बनने वाला है। फटाफट से अभी बना लेते हैं। तो यहाँ पे जो हम लोग अब साथ बैठ करके नाश्ता कर रहे हैं, मम्मी जो अपना हलवा कर चुकी हैं और यहाँ पर मैं और ये बच्चे हैं, तो लास्ट में हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। लास्ट में क्या सब लोग कर लिए, उसके बाद आप हलवा खाए थे आपके साथ कर रहे हैं। ये भी बहुत ज़्यादा ही हलवा खा लिए थे, भर भर के एकदम गमला के साथ खाए थे। चलिए कोई बात नहीं, फिलहाल नाश्ता कंप्लीट कर लेते हैं, फिर मेरे को जो है लंच का भी तैयारी करना है। सो अभी दोपहर के जो है 12:30 बज रहे हैं और मेरा सारा काम जो है दोपहर का लंच तक सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर सारा लंच जो है मेरा रेडी है। लंच में मैंने दाल चावल आलू भिंडी की सब्ज़ी आलू का भुजिया मैंने ये बनाया है, क्योंकि भैया को आलू भिंडी की सब्ज़ी पसंद नहीं है। तो अब तक का मेरा काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अब जो है मैं थोड़ा देर रेस्ट लूँगी, रेस्ट करने के बाद जो है सब लोग साथ में लंच करेंगे। सो यहाँ पे खाना जो है पूरा रेडी है, पापा मम्मी जो है साथ बैठ करके खाना खा रहे हैं और यहाँ पर पापा क्या हुआ, हंस क्यों रहे हैं? तो अभी जो है दोपहर का 2 बज रहा है और पापा मम्मी साथ बैठ करके लंच कर रहे हैं और भैया जो है अभी आए नहीं हैं और फिर आ जाएंगे, तो मैं ये भैया साथ बैठ करके लंच कर लेंगे। Later that same evening. तो अभी जो है शाम के 7 बजने जा रहे हैं और यहाँ पर मैं अपने चाय नाश्ता का अरेंजमेंट कर रही थी। यहाँ पे जो मेरा चाय बनने वाला है और चाय के साथ तो है जो है हम लोग आज पापड़ खाने वाले हैं। तो यहाँ पे सब कुछ रेडी हो चुका है, जो फटाफट से चाय छान लेते हैं, उसके बाद सबको सर्व करने चलते हैं। यहाँ पे हैं अभी हम लोग सब लोग मिलकर चाय पी रहे हैं और साथ ही यहाँ पर पापड़ भी हैं, पापड़ खा रहे हैं। और यहाँ पर ये एज यूजुअल फ़ोन में भी हैं और अपना पापड़, वो येल्लो येल्लो मैचिंग मैचिंग टी शर्ट के साथ साथ मेरा कॉपी कर रहे हैं। हम फिंगर में लेके खाने लगे, खुद भी फिंगर में लेके खाने लगे। बचपन में ऐसे ही खाते थे, बचपन में ऐसे ही खाते थे, बट ये चिपटा चिपटा पैदा होगा तो कहाँ से होगा। हाँ मेरे पास अभी तक 2 सही है, देखिए ये भी चिपटा पैदा हुआ है, देखो इसमें होल है बट बहुत छोटा है। फिलहाल अभी मेरा चाय ठंडा हो रहा है, पहले चाय पी लेते हैं। सो अभी रात के जो है 8:30 बज रहे हैं, मैं शाम को चाय वगैरह पीने के बाद सीधे जो मैं यहाँ पे डिनर बनाने के लिए आ गई थी और डिनर में आज मैंने काफ़ी कुछ बनाया है। दाल पूरी बनाया है और भैया को दाल पूरी पसंद नहीं थी, उनके लिए रोटी है, आलू दम है और चना दाल है, साथ में खीर है। और यहाँ पे जो है मेरा लास्ट फूड जो है सेक रही हूँ मैं, इसके बाद जो है सबके लिए खाली से जा रही हूँ, खाने का टाइम हो जाएगा थोड़ी देर में, थोड़ी देर में सजाऊँगी 10 मिनट बाद, क्योंकि आज सब लोग 9:30 तक खा लेंगे। फटाफट से अभी जो मैं काम ख़त्म कर लेती हूँ अब तक का। सो यहाँ पे जो है मेरा डिनर रेडी है और मैंने यहाँ पे भैया और पापा के लिए जो है डिनर लगा दिया है। अब जो है जाके दे देते हैं, 9:30 बज रहा है रात का, जो है फटाफट से सब लोग खाना खा लेते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो है मेरा डिनर कंप्लीट हो चुका है और जो है आज राकिता ने मेरा फेवरेट जो है डिनर बनाया था, मजा आ गया। बट यहाँ पर एक्स्ट्रा नहीं लिए क्योंकि यहाँ पर जो है राकिता ने मेरे साथ कुछ घपला किया है जो मेरे को पता चला। दो पूरी खाएंगे तो क्या करेंगे, हम थोड़ा ज्यादा ही कर, दाल तो एकदम भरा हुआ था मतलब पूरी में, और ऊपर से पूरी का जो पराठा था वो इतना मोटा मोटा, मतलब आप 2 से आगे बढ़ेंगे नहीं तो हमको 2 में ही तो लेना, हम तो खा लेते 2 से ज्यादा, बट तुम बनाई वैसा थी जो 2, और पापा का एकदम पतला पतला था। अच्छा किए जो किए, अच्छा की जो की एकदम। और मैडम जो है अभी बर्तन वर्तन धो के किचन उचन साफ करेंगे, क्योंकि मेरी काम वाली मतलब हमारी काम वाली जो है वो 4 दिन की छुट्टी ली हुई है, तो फिलहाल जो है राकिता रात को जो है देख कर यू यू करते करते तावा पैर मत गिरा देना। तो फिलहाल जो है इनको अपना काम करने देते हैं, आज का ब्लॉग जो है यहीं पर ही एंड करेंगे। आई होप यहीं पर एंड होगा। सो आई होप आप सभी को आज का ब्लॉग वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आया तो प्लीज फ्रेंड वीडियो को लाइक कर दिया, साथ साथ चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दिया, जिससे जब भी मैं कोई नया ब्लॉग का आपको जो नोटिफिकेशन पहुंचे, क्योंकि मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस लाने की कोशिश करता रहता हूं। बाकी जो है मिलता है आपके साथ अगली वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और ये हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए और बने रहिए राहुल जसवाल ब्लॉग के साथ।